नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको चोरी और डकैती से भरी हुई फिल्मों और वेब सीरीज के बारे में बताएंगे जो वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित हैं, जैसे कि बंटी चोर जिसने 500 से अधिक चोरियों को अंजाम दिया, स्पेशल 26 जिसमें हकीकत में 1987 में सीबीआई ऑफिसर बनकर छापा मारा और करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली थी। इसी तरह पंजाब नेशनल बैंक में 7 करोड़ की डकैती और भी कई घटनाओं से जुड़ी हुई फिल्मों के बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको बताते हैं, साथ में आप यह भी जान पाएंगे कि आप इन फिल्मों और वेब सीरीज को कहां पर देख सकते हैं। सन 2008 में ओए लक्की लक्की ओए रिलीज हुई थी जो कि क्राइम और कॉमेडी पर आधारित थी। मूवी की कहानी विकासपुर में रहने वाले देवेंद्र सिंह उर्फ बंटी पर आधारित है जिसने नौवीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ दी थी और 1993 से बदनामी की जिंदगी में शामिल हो गया था, जिसने 500 से अधिक चोरियों को अंजाम दिया था। ओए लकी मूवी में अभय देओल, परवेश रावल, ऋचा चड्ढा, अर्चना पूरन सिंह जैसे एक्टर मुख्य भूमिका में हैं। आईएमडीबी पर इसकी 7.7 की रेटिंग है। फिल्म ने नेशनल फिल्म अवार्ड और बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड भी जीता था। यह मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध है। स्पेशल 26 8 फरवरी 2013 को रिलीज हुई थी। इस मूवी की आईएमडीबी पर 8 की रेटिंग है। इस मूवी में अक्षय कुमार, मनोज बाजपेयी, अनुपम खेर, जिम्मी शेरगिल जैसे एक्टर देखने को मिले थे। यह मूवी वास्तविक जीवन की डकैती पर आधारित है जो कि 19 मार्च 1987 को अवैध तरीके से छापामार पर आधारित है। सीबीआई के जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने नकली अधिकारी बनकर ओपेरा हाउस में फर्जी छापेमारी की थी। त्रिभो भवन दास भीमजी जवेरी की शाखा सन्स ज्वेलर्स मुंबई में छापेमारी का नेतृत्व अज्ञात व्यक्तियों ने किया था। छापेमारी में लूट का माल लेकर गायब हो गए थे जिसमें लगभग 3 करोड़ से 3.5 करोड़ की संपत्ति थी। थिनुबु 2023 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है। मूवी में अजीत कुमार, संजू बोरियर, जॉन कोकन जैसे एक्टर शामिल है। थिनुबु मूवी लुधियाना के बैंक डकैती पर आधारित है जिसमें 7 करोड़ की लूट की गई थी। 1987 में लुधियाना में एक सिक्योरिटी फर्म में हथियारबंद बदमाश घुस आए थे। सिक्योरिटी फर्म कई बैंकों को सेवा देती थी जो कि राजगुरु नगर से संचालित होती थी। यह पैसा पंजाब नेशनल बैंक का था। 4 करोड़ रुपए फर्म से और 3 करोड़ रुपए भरी हुई गाड़ी समेत गायब कर दिए थे। जिन्होंने यह अंजाम दिया था वह खालिस्तान कमांडो थे जो फर्म में सिक्योरिटी चेक करने के बहाने घुस आए थे। यह उस समय की देश की सबसे बड़ी डकैती थी। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। स्कैम 2003 अब्दुल करीम तेलगी की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है जो कि 2003 में 30,000 करोड़ रुपए के स्टाम्प पेपर की जालसाजी घोटाले पर आधारित है। यह वेब सीरीज 2023 को सोनी लीक पर रिलीज हुई थी। इस वेब सीरीज में दिनेश लाला यादव, मुकेश तिवारी, साना अमीम शेख जैसे एक्टर नजर आए थे। शिक्षा मंडल 2022 की थ्रिलर फिल्म है जिसमें भारतीय राज्य मध्य प्रदेश से जुड़ा विद्यार्थियों के प्रवेश और भर्ती घोटाला शामिल है जिसके पीछे कई नेता, वरिष्ठ अधिकारी और बिजनेसमैन लोग शामिल थे, जिसे व्यापम घोटाला नाम दिया गया, जिसमें परीक्षा के उम्मीदवारों को सरकारी अधिकारियों, नेताओं, बिचौलियों के बीच मिली जुली भगत से आयोग उम्मीदवारों को रिश्वत के बदले परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करवाने और नौकरी दिलवाने जैसे घोटाले शामिल थे। इस वेब सीरीज को आप एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं। पवन मल्होत्रा, ग्वारिका खान जैसे एक्टर इस वेब सीरीज में देखने को मिले थे। बैड बॉय बिलियनेयर्स 2020 की नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसमें भारत के 4 प्रमुख बिजनेसमैन दिग्गजों और उनकी धोखाधड़ी को दिखाया गया है, जिसमें विजय माल्या, रामलिंगा, सुब्रत रॉय, नीरव मोदी जैसे बिजनेसमैन शामिल हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया और धोखाधड़ी करके विदेश भाग गए। किस तरह इन्होंने भारतीय बाजार में फर्जीवाड़ा किया, इस बारे में यह डॉक्यूमेंट्री दिखाती है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। स्कैम 1992 यह सीरीज शेयर मार्केट किंग हर्षद मेहता के जीवन पर आधारित है। इसे आप सोनी लीक पर देख सकते हैं। 80 और 90 के दशक के बीच यह मूवी आधारित है जब यह वित्तीय नाटक वास्तविक जीवन स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता के आसपास घूमती है। स्टॉक मार्केट को बेजोड़ और अपने दम पर ऊपर उठाना और विनाशकारी पतन के साथ शेयर मार्केट को खत्म कर देना जो कि 4,000 करोड़ के घोटाले के आसपास मूवी घूमती है। यह कैश
जब तक चलता रहता है, जब तक हर्षद मेहता की 2001 में दिल का दौरा पड़ने से मौत नहीं हो जाती है। जमताड़ा झारखंड का एक शहर है जो कि जमताड़ा के धोखाधड़ी के असली कारनामों पर आधारित है। इस वेब सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। जमताड़ा सबका नंबर आएगा, जहां पर कुछ कम पढ़े लिखे लोग नई तरकीब सीखकर फोन कॉल करके सिम स्कैमिंग करके लोगों के अकाउंट खाली कर देते थे, जिसमें कई बड़े बड़े अभिनेता से लेकर राजनेता जैसे लोग शामिल थे। यह वेब सीरीज 2020 में आई थी, जिसकी IMDb पर 8 की रेटिंग है। हमने जितनी भी फिल्में बताई हैं, क्या आपने देखी हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताना। हम आपके लिए ऐसी ही फिल्में और एंटरटेनमेंट से जुड़ी जानकारी लाते रहते हैं। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना।